हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो ये जो व्लॉग है, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। आई जस्ट फिल्म दिस क्लिप ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ता था। बिकॉज़ अगर आप टूर के साथ, मतलब अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ हो, तो आपको लगभग 6 बजे उठना पड़ता है एंड आपको 7 o'clock तक नीचे एकदम सब कुछ रेडी हो के आपको नीचे उतरना पड़ता है। यू हैव 30-40 मिनट्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद मैक्स टू मैक्स 8 बजे निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं मेकअप कर रही थी। मैंने पूरे ट्रिप में ज़्यादा कुछ मेकअप किया ही नहीं। नॉर्मल फाउंडेशन, ब्लश एंड 2-4 और चीज़ें लगा दी थी। एंड वेदर इनका इतना ज़्यादा अच्छा था, द वाटर वॉज सो गुड, कि जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जा रही थी। प्लस प्रोडक्ट्स वर सो नाइस, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे जो कि मैं आप लोगों एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड मैं पूरे ट्रिप में सिर्फ यही आई शेडोज़ लेके गई थी जो कि मुझे आप लोगों को दिखाना था, जो कि काइंड ऑफ वन ऑल आई शेडोज़ है, जो कि शोहो स्टिक है बॉबी ब्राउन का। ये सिर्फ फेस्टिव सीज़न में मिल रहा था, बट अगर आपको इंडिविजुअल भी मिल रहा है तो भी आप डेफिनेटली ले लेना। एंड दिस वॉज वॉट आई वॉज वेयरिंग एंड इसके बाद मैं गई थी डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करने। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का जो डे है, इट्स गोइंग टू बी आर डे 2 इन पेरिस। एंड आज के दिन आई थिंक इट्स 6:40 राइट नाउ इन पेरिस एंड इंडिया में आई थिंक 11 बज रहे हैं। और अभी का प्लान है कि हमें 7:45 तक का टाइम दिया है कि हम इस टाइम तक ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर 8:30 शायद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे एंड देन हम कोई म्यूज़ियम जाएंगे, फिर इसी तरीके का कुछ जो आप आगे देखोगे। अभी मैं थोड़े बहुत कैजुअल कपड़े पहन के, सॉक्स एंड ये सब कुछ पहन के नीचे जा रही हूँ, बिकॉज इट्स 1 degree आउटसाइड। 1 degree बहुत ज़्यादा कम होता है, इतना कम हमने यहाँ के लिए एस्टिमेट नहीं किया था। अभी मैं जाऊँगी, इट्स day 2। अभी मैं ये नॉर्मल कपड़े पहन के जा रही हूँ। मे बी थोड़े टाइम बाद, मतलब शाम तक या दोपहर तक भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है, तो थोड़े बहुत वार्म कपड़े लेके अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। अभी तो मैं ही जा रही हूँ। अभी मैं ये कपड़े पहन के नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। पता नहीं ब्रेकफास्ट में क्या है। कल रात को मैं बिल्कुल भी फिल्म नहीं कर पाई थी मॉल में आने के बाद। आई वॉज एब्सोल्यूटली टायर्ड, वहाँ पर मैंने बोला ज़रूर था आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल एंड आई स्टिल हैव एनर्जी लेफ्ट, बट आने के बाद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। एंड उसके बाद वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, जो कि 1.5 घंटा दूर था हमारे होटल से। इट वाज लाइक अ 25 मिनट्स ड्राइव, बट देन बहुत ट्रैफिक था पेरिस में रिंग रोड पे, कुछ भी फिल्म नहीं कर पाई। आई वाज सो टायर्ड एंड अभी देखते हैं अभी क्या क्या फिल्म कर सकते हैं। What is this? Cheese. Salami, जो कि मैं खाती नहीं हूँ। दही, croissant, bread, because we are in Paris, a lot of bread, coffee. Bacon. So I think I'll have some of this bread because aur to koi option hai nahi. So let's, what is this? Cake. So this is what I've got: jam and yogurt. And ye do main figure nahi kar payi to kya cheez hai. Cake, croissant, bread, cheese, and more bread and juice.
सो अगर आप जा रहे हो पेरिस तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग उनकी चीज़ जो है वो ट्राई करना. मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये होटल में जो चीज़ था पता नहीं कौन सा चीज़ था पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. एंड देन आई डिसाइडेड टू हैव ब्रेड जैम. जो जैम मैंने लिया था वो यहाँ पे भी मिलता है, ये वाला जैम, एंड मैंने लिया था मैंगो फ्लेवर में. So this right here was honey. And the honey is rather tasty. What is other tasty? It's nothing like the honey that we get in India. This is chocolate choki. Taste karungi. This chocolate is so tasty. अगर ये ब्रांड का मिलता है तो शायद मैं घर ले जाना पसंद करूँगी. इट्स लाइक मूस जैसा है, सुपर डुपर चॉकलेट. इट्स वेरी टेस्टी, वेरी वेरी. सो यहाँ से जो भी क्लिप्स थे वो आई कैप देम रॉ ताकि जो भी गाइड या फिर हमारा टूर मैनेजर बोल रहा है वो भी आप लोगों को सुनाई दे एंड आपको समझ में आए कि कौन से प्लेस का क्या सिग्निफिकेंस है. सो उनकी आवाज़ तो क्लियरली आ रही थी बट आई ट्राइड माई बेस्ट. बस में थोड़ा सा शोर भी हो रहा था. सो आई होप आप लोगों को समझ में आए कि यू नो कौन सी जगह का क्या सिग्निफिकेंस है. तो आपके मुंह में वो जो थोड़ा सा बिट फ्लेवर रह जाता है ना, दैट विल स्पॉइल द टेस्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट. ओके, तो ये लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन दे ब्रश द टीथ. सो दैट वे आप खाने का टेस्ट स्पॉइल का चेहरा एम्बेड किया जा रहा है. तो द वेरी फर्स्ट कॉइन यूज्ड टू बी मिंटेड आउट ऑफ एल्युमिनियम. हाँ, बाद में देन वी गॉट द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम और फिर प्राइस कम हो गई. So on the left hand side, that brown tower that you see, Hyatt Regency. So ये अभी city के अंदर है. That is one of the very expensive hotel, the Arch. और वो जो Arch आपको दिखेगा उसके बिल्कुल दूसरी तरफ is the most expensive street. That if there is a monument, अगर कोई एक बड़ा structure या monument है on one side of the road, and if you are standing on the very end of the road on the other side, अगर आप वो उसी रास्ते के बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े हो, then there should be nothing to block your view. When I'm saying symmetry, मतलब जैसे right में दिख रहा है वैसे left में दिखना चाहिए. So if you notice the trees, तो जो type के पेड़ उन्होंने right में लगाए वही type के left में है. The kind of buildings that you have on the right, similar buildings you have on the left. तो यहाँ पे है ना, government decide करती है कि आपके building की height क्या होनी चाहिए, color क्या होना चाहिए, design क्या होना चाहिए, because it should be in harmony with the other buildings. तो जो दूसरी बिल्डिंग है उनसे आसपास लगना चाहिए टू मेंटेन द ब्यूटी यू नो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट. सो वी आर गोइंग टू मीट आवर गाइड हियर. सो दिस इज़ द आर्क ऑफ ट्रायम्फ एंड ये जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट एंड उसके सोल्जर्स को एक डेडिकेटेड आर्क है. दिस इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट आर्क एंड ये जो टोटल मॉन्यूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्ट्रक्चर्स है, दिस इज़ नेपोलियन बोनापार्ट विद हिज सोल्जर्स. एंड इसमें ना जो भी उनके जनरल्स थे, उनके विक्टोरियंस थे, उनके भी नाम डाले गए हैं. यहाँ पे एक फ्लेम है जो कि हमेशा ही जलता रहता है. सो बीनीथ दिस आर्क इज़ अ वॉल्ट एंड वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे एक टूम है ऑफ़ द अननोन सोल्जर्स. सो इसे ऑर्डर किया था बनाने के लिए नेपोलियन बोनापार्टी ने, बट फाइनली ही डिड नॉट गेट टू सी द फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज ही डाइड बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट. Avenues, there are exactly 12 of them, designing like a star. That's why the name of this square where we are is called the star in English. And one of those 12 avenues, the very famous one called the Champs-Élysées, where you have the Lido show. You heard about the Lido. So that's the Champs-Élysées. We're going to go over there now. We'll stop the bus and then we can go down and take some pictures of this arch. And it's called the Champs-Élysées. By the way, sorry, I forgot. My name is Catherine. Okay, so that's the main facade. That's the front. It's on the left hand side, the big carving presenting the coronation of Neapolitan.
This is Napoleon Bonaparte. He's presented dressed like a Roman because he felt very powerful, as powerful as a Roman emperor. So here on the Champs-Élysées, we'll stop after the... We have come to the street called Champs-Élysées, if I am not mistaken. And we have 10 minutes here for photos. Probably we'll be back on the street because it's 9 o'clock right now. Most of the stores, the luxurious stores are not open. तो अभी हमारे पास 10 मिनट्स है फोटो लेने के लिए, तो जितना भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी कम है, बिकॉज द स्ट्रीट इज एब्सोल्युटली लॉन्ग. दिस इज हाउ द स्ट्रीट लुक्स. सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ ही बंद है यहाँ पे, एंड इट इज 10 डिग्रीज आउटसाइड. बिल्डिंग बिलोंग्स टू आवर जीआर सेंट लॉरेंट. लिविट फॉर द डाउन विल बी द लार्जेस्ट जीआर. So it's all fashion stores, and across from the Louis Vuitton, you know Louis Vuitton? Okay, I'm going to show the largest Louis. Okay, so first look on the right hand side, the building where she has a nice decoration on the side. It's because the building is under renovation. Isn't nice, huh? Because, and then when they are going to reopen, it's going to be another Dior, Christian Dior store, famous French designer, beautiful. Left hand side, ladies and gentlemen, LIDO, that's the Lido show, Lido de Paris. Right hand side is the largest Louis Vuitton in the world, LV. All the building belongs to Louis Vuitton. Of course, you know Louis Vuitton? They are famous for their purses, right? And handbags, very expensive, very costly. Louis Vuitton, right? Lido show, left hand side. Stores and shops close on Sunday. Do you like football? तो इसके बाद हम लोग गए थे ग्रैंड पैलेस या फिर ग्रैंड पैलेस. सो वो भी इसी एवेन्यू में था, एंड इन अ मिनट आई विल बी शोइंग यू ऑल हाउ इट लुक्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनोवेशन हो रहा है, एंड दिस इज़ द ग्रैंड पैलेस. यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल के लिए आर्ट जो एग्जिबिशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस. हम बस से उतरे हैं एंड हमें पता नहीं है जगह कौन सी है. जगह मुझे याद नहीं है, बट वी आर हियर फॉर जस्ट 20 मिनट्स. चर्च ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स. हाँ, इट्स सच अ प्रिटी गार्डन. दिस इज नॉट इवन अ गार्डन. ये यहाँ पे इसी तरीके से, अच्छा नॉर्मल पार्क है ये. इनका पार्क भी बड़ा सुंदर है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड द ट्रीज आर प्लांटेड एब्सोल्युटली इन ऑर्डर. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं tree ke piche tree, and then everything is in, and it's such a beautiful place. But the beautiful as it back bol raha hai log ke bari ko raha hai khane jinne bhi maine like humne wahan pe kuch photos liye hain, and probably we'll go to the bridge. I think France has 37 bridges, and usme se ek wo bridge hai jo shayad hum wahan jayenge, which was like a friendship treaty between France and हमारे टूर गाइड ने बोला था, जो मुझे याद नहीं है, रशिया. एंड अपेरेंटली दे नेवर पेड फॉर इट. सो इट्स दैट ब्रिज जहाँ पे मोस्टली जो भी फैशन मैगजीन्स होते हैं वहाँ की जो भी फोटोशूट्स होते हैं वो उस ब्रिज पे होते हैं. सो आई थिंक काफ़ी कम टाइम है हमारे पास, तो अगर हम वहाँ तक जा पाए तो वी आई शो यू अ स्मॉल क्लिप. अभी इट्स दैट ब्रिज. I think we do not have enough time. So, and वहाँ पे है Air France, which is a very beautiful structure. जैसे आप देख सकते हैं, that is actually a military hospital, and वो काफ़ी time पहले build किया था, and वहाँ पे अभी भी मतलब मुझे नहीं पता वो functional है या नहीं. वो इस side एक church है जहाँ पे कोई भी mass या prayers नहीं होते हैं. It's totally shut down as like as a church. It's shut down, but then यहाँ पे कोई museum है. France has 97 museums, if I'm not mistaken. अगर मैंने सुना ठीक था तो it has 97 museums. And I really, really love, you know, museums. But then, obviously, सारे museums तो नहीं जा पाएंगे.
तो हम शायद एक ही म्यूजियम जाएंगे बिकॉज इट्स अ 3-day ट्रिप एंड 3 days में जितना भी कवर हो सकता है वी आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट. सच अ ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज ड्रिजलिंग थोड़े टाइम पहले और हमारे पास अम्ब्रेलाज नहीं है. लाना था, हमारे टूर गाइड ने बोला भी था बट हम लोग भूल गए. तो अभी आगे चल के शायद अम्ब्रेला लेंगे. मैं तो सब कुछ ही बहुत ज़्यादा दिखाऊँ. इट्स एब्सोल्युटली वेट इवन दो इट वॉज ड्रिजलिंग. हल्की बारिश एंड मौसम इनका आई थिंक इट्स 8 degrees राइट नाउ. उतनी खैर ठंड लग नहीं रही है. 8 degrees जितनी लगनी आई डोंट नो. इट इज़ कोल्ड बट इट्स नॉट एज कोल्ड एज वी हैड थॉट इट वुड बी. तो मैंने पूछा एंड वी डू स्टिल हैव लाइक 5 to 10 minutes. तो मैं ब्रिज पे चली आई. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रिज. यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर लाइक सम स्ट्रक्चर्स. सो द लाइट इज स्टिल रेड ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे. उसके बाद आई थिंक आई विल हैव जस्ट 5 to 7 minutes. सो वी आर हियर एट द फेमस ब्रिज एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल ब्रिज. एंड देन यहाँ पे उनका रिवर है. सो हमारी जो टूर गाइड है वो बोल रही थी दे डू नॉट हैव लाइक नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे हैव राइट साइड ऑफ द बैंक एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बैंक. दैट इज हाउ द फ्रेंच पीपल. ओ माई गॉड कितना ब्यूटिफुल है ये. गॉश दिस इज सो प्रिटी. बहुत ब्यूटिफुल है. दे हैव दीज स्मॉल व्हाट आर दीज इज आर शिप्स. पता नहीं क्या बोलते हैं उनको. स्मॉल That's a ferry for sure. And यहाँ पे आप देख सकते हैं that this is the river bank यहाँ पे. And then they have ships of it. So यहाँ पे हाँ there's a small crepe cafe. Okay. यहाँ पे आपको crepes मिलते हैं authentic French crepe. तो यहाँ पे आप मेनू देख सकते हो अगर किसी को विजिट करना है तो ये prices है. हाँ जूस चाहिए ना. सो हमने एक Nutella crepe लिया है just to try. एंड अभी हम ट्राई करेंगे. यहाँ पे आपको टार्ट भी मिलेगा एंड ये जो भी लिखा हुआ है देन दिस लेस. सो अब हम ट्रिप लेंगे एंड उसके बाद हम डायरेक्टली बस में जाएंगे. बस के बाद लाइक बस में बैठने के बाद हम लोग जाएंगे म्यूजियम. एयरपोर्ट पे कोते जाबो मम्मी का चे मम्मी का सामान फोन. हाँ म्यूजियम जाएंगे इसके बाद है ना. मगर आप कौन आते म्यूजियम जाएंगे इसके बाद. म्यूजियम जाएंगे. सो फर्स्ट टाइम के लिए हम नहीं, मेरा भाई तो खा चुका है. मैं खाऊंगी फर्स्ट टाइम के लिए फ्रेंच क्रेप. अभी तो ये गर्म है. काफ़ी सारे टॉपिंग्स थे बट एक तो मैंने कभी क्रेप खाया नहीं तो मैंने सोचा नटला के साथ आमंड वाला ही ले लेते हैं. खा सो इट्स फॉर 400 rupees. आई थिंक दिस इज देयर ब्रेकफास्ट. दिस इज देयर ब्रेकफास्ट. ये मीठा ज्यादा खाते हैं. किमनी नो अच्छा है. अच्छा है. सो इफ यू आर हियर ये तो कहीं कैफे तो कहीं पे भी मिल जाएगा बट डू ट्राई दिस विद आमंड्स. इफ यू नॉट श्योर कि आप कौन सा टॉपिंग ले तो आमंड्स के साथ ही अच्छा लग रहा है. जैसे जनरली मुझे आमंड्स पसंद नहीं है बट इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो इसके बाद जो है हम लोग गए थे एक और गार्डन जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था. काफ़ी यू नो ब्यूटीफुल था. एंड उसके बाद फिर हम लोग गए थे सुवेनियर स्टोर एंड देन वी वेंट टू द म्यूज़ियम. सो वो जो है मैं अलग व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा बिकॉज ऑलरेडी ये 18-19 minutes लंबा हो चुका है और वो सब मैं दिखाती तो आधे घंटे तक हो जाता. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें मैं आपको पैरिस के सुवेनियर शॉप्स दिखाऊंगी. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यू शुड सब्सक्राइब टू द. ऑल्सो डू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि अगर वो भी ट्रिप प्लान कर रहे तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो. यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया दैट इज इंस्टाग्राम. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ अगले वीडियो.